अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू मेरे प्यारे मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए जान लेते हैं आज की फटाफट ताज़ा गल्फ की सबसे बड़ी खबरें। मेरे प्यारे दोस्तों, जो लोग चाहते हैं कि ईद की नमाज मस्जिद में पढ़ने के लिए जाएं तो कमेंट्स बॉक्स में इंशाल्लाह ज़रूर लिख दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं बिना टाइम गवाए सऊदी अरब से क्या खबरें आ रही है। दोस्तों, सऊदी अरब की शाह अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी के नॉलेज मैनेजमेंट की एक टीम ने बहुत कमाल की बात किया है। टीम ने नहतरीनों के लिए कुरान का एक इलेक्ट्रॉनिक संस्करण बनाया है, जिसे अनूठे कुरान की आयत अरबी शब्दों और इसके पृष्ठों को एनिमेटेड के रूप में बनाया गया है। इसकी मदद से अरब ऐसे लोग भी जो देख पाने में समर्थन है, वे भी इलेक्ट्रॉनिक कुरान के जरिए कुरान की पाक आयत आसानी से पढ़ सकेंगे। साथ ही इसमें कुरान की सूरतें और पारों की तलाश भी आसान हो गई है। वही आपको बता दें कि सऊदी अरब ने पिछले 5 महीनों से कोमा में एक महिला ने बिल्कुल स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। कोमा में घिरी महिला पिछले 7 महीनों से गर्भवती थी। हालांकि डॉक्टर महिला की अपेक्षित गर्भावस्था पर कड़ी नज़र रख रहे थे। वही महिला की मानसिक स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने गर्भावस्था के 7 महीने बाद ही ऑपरेशन करने का फैसला किया, जिसके बाद महिला ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। मदीना के किंग फहद जनरल अस्पताल में इस महिला का इलाज चल रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी और तेल की कम कीमत की मार झेल रहे सऊदी अरब ने बुनियादी वस्तुओं पर लगने वाले मूल्य वर्धित पर वैट 3 गुना बढ़ाकर 15% करने की घोषणा की है। साथ ही विभिन्न परियोजनाओं और अन्य मदों में होने वाले खर्च में करीब $26 अरब की कटौती करेगा। देश में वित्त मंत्री के अनुसार इतना ही नहीं, सऊदी नागरिकों को 2018 से लागू रहन सहन लागत भत्ता भी बंद करने का निर्णय लिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि कच्चे तेल बेक फूड का भाव भी इस समय $30 प्रति बैरल के आसपास बना हुआ है। सऊदी अरब में फंसी 56 गर्भवती नर्सों को वापस भारत लाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। इस याचिका में कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन के कारण सऊदी अरब में 56 गर्भवती नर्सें फंसी है, जिनके पास लाने के लिए कोर्ट केंद्र सरकार को निर्देश दे दी गई है। यूनिवर्सिटी नर्स एसोसिएशन की तरफ से यह याचिका दायर की गई है। 18 मई को वीडियो लिंक के जरिए कोर्ट पर इस पर सुनवाई करेगा। दोस्तों, वही आपको बता दें कि सऊदी अरब मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय ने इस साल के ईद उल फित्र के लिए छुट्टियों की घोषणा की है। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए ईद की छुट्टियां 15 मई रमजान 22 से शुरू होकर रविवार 31 मई शवाल 8 तक होगी। निजी क्षेत्र के लिए 4 दिवसीय ईद की छुट्टी है, जो रमजान 29 से 22 मई के दिन से 22 मई के दिन से शुरू होती है। मंत्रालय ने पुष्टि की है कि प्रत्येक श्रमिकों को श्रम कानून के अनुच्छेद 112 के अनुसार छुट्टियां और अवसरों से पूरा वेतन दिया जाएगा। वही आपको बता दें कि सऊदी अरब के हयात में पुलिस ने मानव तस्करी करने वाले एक गिरोह को पकड़ा है। 50 का है गिरोह मानव तस्करी की भीख मंगवाता था। सबक वेबसाइट के अनुसार हयात पुलिस के प्रवक्ता सामी अलशमारी ने मंगलवार को कहा है कि बहुराष्ट्रीय समूह रमजान की शुरुआत से ही भिखारियों को माथे से पैसे इकट्ठा कर रहा था। अलशमारी ने कहा है कि गिरोह में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। आपको बता दूं कि सऊदी अरब में सर्वोच्च न्यायिक परिषद की घोषणा किया गया है कि ईद उल फित्र की छुट्टी के दौरान भी 42 कानून अदालतों को खोला जाएगा, ताकि सभी जरूरी मामलों की सुनवाई हो सके। न्यायमूर्ति मंत्री शेख वालिद बिन मोहम्मद, जो परिषद के प्रमुख है, उन्होंने कहा है कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में छुट्टी के दौरान काम करने के लिए 42 कोर्ट को खोला है और 67 न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया है। कुवैत में किराने की दुकान खोलने की इजाजत दी गई है। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक दुकान खुलेगी। नगर पालिका ने किराने की दुकान पर सामान दे रहे श्रमिकों को मास्क और ग्लव्स पहनकर काम करने का निर्देश दिया है। वही आपको बता दें कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से यात्री टर्मिनलों के माध्यम से वापस आने वाले प्रवासियों के लिए निर्देश जारी किया गया है। निर्देश में कहा गया है कि कुवैत से निकलने वाले प्रवासियों की स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा हवाई अड्डे पर जांच की जाएगी और यह प्रमाण पत्र दिया जाएगा कि वे कोरोना वायरस से मुक्त है। यदि परिणाम पॉजिटिव है तो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रक्रियाओं के अनुसार उनका इलाज किया जाएगा। वही आपको बता दें कि सऊदी अरब से इंदौर और फिर भोपाल पहुंचे कुवैत से फंसे भारतीय छात्रों एवं पर्यटकों में से शुक्रवार को एक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। स्क्रीनिंग के दौरान हल्का बुखार होने पर ऐसे 7 लोगों को हमीदिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वही लक्षणों के आधार पर 22 लोगों के स्ट्रिपनैंग किए गए थे। इसमें से 7 की स्थिति गंभीर है। उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही है और इनका ऑक्सीजन लेवल भी कम हो रहा है। सभी का उपचार हमीदिया में चल रहा है। 22 में से 1 की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब फ्लाइट में आए सभी लोगों को
सैंपन किए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि कुवैत में भारतीय मजदूरों ने सरकार द्वारा वंदे भारत मिशन के तहत अमीर लोगों को स्वस्थ लाने और मजदूरों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाते हुए मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मजदूरों ने कुवैत में भारतीय दूतावास से संदेश भेजते हुए मांग की है। मजदूर पिछले कई दिनों से कुवैत के राहत शिविरों में रह रहे हैं। सभी मजदूर भारत के राजस्थान से है। वहीं आपको बता दें कि वंदे भारत मिशन के दूसरे चरण के लिए एयर इंडिया और घरेलू विमानन सेवा एयर इंडिया एक्सप्रेस की कुल 140 विमानों का उपयोग 31 देशों के इस ऑपरेशन को अंजाम देगी, जिसमें फीडर फ्लाइट भी शामिल है। इस तरह पहले चरण की तुलना में वंदे भारत मिशन के दूसरे चरण में 18 अतिरिक्त देशों को शामिल किया गया है। दूसरे चरण में विदेशों में फंसे भारतीयों को लेकर पहली फ्लाइट को 16 मई को पहुंचेगी, जिसका संचालन एयर इंडिया एक्सप्रेस दुबई से करेगी। दुबई, अबुधाबी, मस्क, दोहा और कुआलालपुर में संचालित की जाने वाली फ्लाइट सीधे कुवैत में उतरेगी। तो प्यार दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो दिल से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।